नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन। G20 समिट का जो मेहमान नवाजी है वो इस बार भारत को मिली है और भारत ने बखूबी इस मेहमान नवाजी को संभाला भी। जहां भारत की विश्व गुरु होने पर तारीफें होने लगी, भारत को चारों तरफ देखा जाने लगा, वहीं विपक्ष इस पर भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और विपक्ष में भी कुछ नेता ने सवाल खड़े किए हैं, उनके सवाल खड़े करने के बाद जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। किसकी बात कर रहे हैं, किसने सवाल खड़े किए हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जिस तरीके से भारत की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, सबसे पहले तो G20 समिट की अध्यक्षता मिलना ही अपने आप में एक बड़ा फैसला था। उसके बाद बखूबी भारत ने इसे निभाया भी, लेकिन इसके बाद भी लगता है विपक्ष इससे खुश नहीं है। खुश नहीं है। अब ये वही हैरानी की बात है कि एक्चुअली उन्होंने राइट चीज को राइट टाइम पे गलत बोल दिया। जनता देख रही है, पूरा विश्व तारीफ कर रहे हैं, सभी विश्व की न्यूज़पेपर्स और टीवी और पूरा मीडिया भरा पड़ा है भारत और नरेंद्र मोदी की तारीफ से। इवन हमारा जो सबसे कट्टर दुश्मन अपने आप को समझता है पाकिस्तान, वो उनका मीडिया भी तारीफें कर रहा है। वो भी कह रहा है कि विश्व गुरु बन जाएंगे, और उन्होंने तो ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनकी अब स्थायी सीट भी भारत को मिल जाएगी, एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन कौन नहीं कर रहा है? अपने घर में बैठे नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी राजनीति नहीं चमक रही है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि विजन नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक ही नारा है, मोदी को हटाना है। तो ये मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े परिपक्व नेता हैं, पूरी उम्र उन्होंने राजनीति में लगा दी, उनको इतना तो कम से कम इस चीज का वो होगा कि जब इतना सफल आयोजन हो गया, इतनी शानदार चीजें उसमें हुई हैं, आप डिक्लेरेशन को देखें, आप कॉरिडोर की बात ले लें, आप कुछ भी देखें, इतना शानदार हुआ है कि पूरा वर्ल्ड तारीफ कर रहे हैं। ये तो वो हिसाब हो गया कि गीता IIT करके आई एक बाहर से, और पूरा वर्ल्ड वाह कर रहा है कि वाह, गीता ने जबरदस्त IIT कर लिया, कमाल हो गया। और अपने गांव के चार लोग जिनसे आपकी बनती नहीं है, वो कह रहे हैं ये तो अनपढ़, कहां से आगे मुंह उठा के इसको क्या आता है। तो उससे क्या होगा? आप तो IIT करके आई हैं, तो उनको उनके बोलने से क्या होगा? तो ये वही गांव के चार लोग हैं जिनको लग रहा है कि अब ये छोटी मोटी दुकान राजनीति की खोलने लगे थे इंडिया गठबंधन के जरिए, मोदी जी ने वो भी बंद कर दी। जी, लेकिन खास बात ये रही कि जिस नेता की मैं बात कर रही हूँ वो शरद पवार हैं, और शरद पवार जिनकी पहले अटकलें चल रही थी कि शायद कोई परिवर्तन करते और इंडिया के साथ न चलकर, यानी गठबंधन इंडिया के साथ न चलकर एनडीए के साथ चल लें, और इस बीच इतना बड़ा बयान उनकी तरफ से देखने को मिला है, यहाँ तक कि खाने की प्लेट तक पर सवाल उठा रहे हैं। मैं वही तो हैरान हूँ गीता, हम एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे घर में भी कोई अगर मेहमान आता है तो हम, एक याद है मुझे कि हम अपने वो क्रॉकरी सेट निकालते हैं फटाफट अलमारी में से, जो हम आम दिनों में यूज नहीं करते हैं, करने नहीं देते, कहते हैं ये मेहमानों के लिए रखा है, क्योंकि अपनी इज्जत हमने बनानी होती है, और हमने वो यूज कर लिया। अब जो बाहर से इतने बड़े बड़े नेता और वो क्राउन प्रिंस और वो प्रेसिडेंट और वो सब आए थे, तो उनको हम क्या कहते, भाई साहब आप घर से अपना टिफिन लाए हैं कि दिखाइए जरा, उसी में डाल देते हैं दाल चावल, या उनको हम पत्तल या कागज की प्लेट दे देते हैं कि लीजिए भाई साहब इसी में खाइए और यूज एंड थ्रो कर दीजिए। इसको अपने देश की इज्जत का सवाल है। वो सोने चांदी की प्लेट कोई भारत सरकार खरीद के नहीं लाई है, वो जिस कैटरर को हायर किया होगा वो उसके पास क्रॉकरी थी, उसने दे दी और अपने देश की इज्जत बनी, इसमें तो खुश होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि अपने ही घर में रहने वाले लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, और शरद पवार जैसे एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन जिनका राजनीति में एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि उन्हें आप पॉलिटिक्स का पितामह भी कहें तो गलत नहीं होगा, इतना एक्सपीरियंस है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता है। आप निकालिए गलती कि भैया G20 में ये पॉलिसी होनी चाहिए थी, हो नहीं पाई। भाई G20 में भारत को अपना ऐसे पक्ष रखना चाहिए था, रख नहीं पाए। भैया कॉरिडोर वाले मुद्दे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, गलती क्या निकाल रहे हैं, और एक इस प्लेट में खाना खिला दिया। अब बताइए ये बातें अच्छी लगती हैं? एक मंजे हुए पॉलिटिशियंस जो ऐसी बातें कर रही हैं कि चांदी की प्लेट में खिला दिया या सोने की प्लेट में खिलाई, तो अपने देश की इज्जत का सवाल को खुश होना चाहिए कि हमारे देश की एक इमेज गई है।
वेस्टर्न मीडिया जो कहीं ना कहीं हमें कई बार कलंकित करने की कोशिश करता है कि भाई गरीबी है और ऐसा हो गया भारत में, एक नेगेटिव पिक्चर लाने की कोशिश करते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश की है मोदी जी ने। ये प्रेसिडेंट ने डिनर दिया था सबको, और प्रेसिडेंट ने जो डिनर दिया था तो वो डेफिनेटली एक अच्छा ही होना था। ये अपना टाइम क्यों भूल जाते हैं, जब मुंबई के होटल में बैठ के इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, 5 स्टार 7 स्टार में वहां पे अच्छे अच्छे क्रोकरी में खाना खा रहे हैं, जहाँ 400-500 की एक छोटी सी पानी की बोतल होगी, 400-500 की एक रोटी होगी, और कहीं 2,500-3,000 की कोई दाल मखनी या शाही पनीर होगा। वहां पे तो आप धड़ाधड़ खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसा चल रहा है, अपने देश में बैठे हैं, किसी कार्यालय में जाके मीटिंग कर लो, आप किसी आम कमरे में बैठ के मीटिंग कर लो, तो आपको चाहिए 7 स्टार। और अगर बाहर से आए लोगों को, जो कि बहुत आवश्यक था, एक बड़ा आयोजन था, हमने अच्छी मेहमान नवाजी कर दी, वसुधैव कुटुंबकम, मेहमान ही भगवान है, ये हमारी एक हमेशा से पॉलिसी रही है भारत की, आज वाह वाह कर रही है पूरी दुनिया, उसमें इनको लग रहा है सोने चांदी, ये जनता सहेगी नहीं, आप देखना जिस तरह से वाह वाह चारों तरफ हुई है, ये जनता सहेगी नहीं इनकी बातों को, और ये उल्टा इनकी तरफ ही उल्टा तीर चल के आएंगे जनता के, आप देखना। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जब एक उदाहरण आपने दिया कि जब घर पर भी हमारे गेस्ट आते हैं, हम उन्हें बेस्ट सर्व करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, और जिन लोगों ने सवाल उठाया है वो खुद जब बैठकों को बाहर रही है, और खास बात यह है कि उन बैठकों से निष्कर्ष भी निकल कर नहीं आ पा रहा, यहाँ तो निकला नहीं। जी निष्कर्ष मुझे याद है कि अब भी अगर कोई हम ऐसे ही घर में कोई कपड़ा इधर फेंक दिया, कुछ कर दिया, और एकदम कोई फोन आ जाए, हाँ जी रोहित जी मैं आ रहा हूँ, और वो दरवाजे पे ही पहुंच जाए, तो सब घर वाले भागते हैं फटाफट, अरे ये कपड़ा इधर पड़ा है, अरे ये तूने यहाँ क्यों रखा, वहां थोड़ा सा साफ कर दे। कैसे हम सब कलेक्टिवली काम करते हैं कि हमारे घर में आए तो अच्छा लगे, और यहाँ पर बाकी पार्टियों ने किया क्या, विरोधियों ने, शर्म आ रही है मुझे बताने में, कोई पानी का वीडियो ट्वीट कर रहा है, अरे वाह इंद्रदेव ने बारिश कर दी, देखिए वहां मंडपम के बाहर पानी इकट्ठा हो गया, बहुत खुश हो रहे हो आप अपने देश में ऐसा हुआ था, और क्या बड़ी बात है, इंद्रदेव कोई बीजेपी की मेंबर तो है नहीं कि बीजेपी उनको कहेगी आज बारिश मत करना, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, बारिश आनी है, तो क्या हो गया पानी इकट्ठा हो गया। दूसरे किसी देश में आज तक G20 की मीटिंग में बारिश नहीं हुई होगी बाहर, वो मंडप के अंदर बारिश चली गई, वो ऐसी बातें कर रही है प्रियंका गांधी अपने बयान में, देखिए आप। और फिर उसके बाद आप कुत्तों की फोटो ट्वीट कर रहे हैं, सरकार ने कुत्ते पकड़ लिए सड़क से, आप इनका स्तर देखिए राजनीति का, बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, सोने चांदी की प्लेट, कुत्ते पकड़ लिए, ये हो गया, मतलब हर वो चीज अपने देश को जो नीचे दिखाने के लिए आप कर सकते हो। राहुल गांधी तो बाहर से बैठ के बोल रहे हैं, अरे सरकार चीजों को छुपा क्यों रही है, अब मेरे घर में मेहमान आया, मैं अपने मम्मी पापा को बोला अरे पड़े रहने तो कपड़े इधर उधर गंद पड़ा, क्यों छुपा रहे हो मेहमान से, ये मेरी समझदारी होगी, कौन कहेगा आपको समझदार नेता, कहां की परिपक्वता है आप में, काहे का गठबंधन, अरे आप देश में लड़िए, एक दूसरे को 100 गाली दीजिए, लेकिन कोई मेहमान बाहर से आया है तब तो इज्जत रख ले एक दूसरे की, तब तो आप शब्दों की मर्यादा रखें, वीडियो ट्वीट कर करके आप क्या दिखाना चाह रहे थे वेस्टर्न मीडिया को या दुनिया को, तो ये बहुत हैरानी की बात है, और मुझे लगता है कि जनता जो है इनकी बातों से खफा होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कोई भी किसी भी पार्टी का वोटर हो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे देश के ऊपर कोई आंच आए, मेरे देश के ऊपर कोई उंगली उठाए, मेरे देश के बारे में कोई गलत कहे, और पूरा जोर लगा दिया इन लोगों ने, और सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या डाला इन्होंने, पर मुझे लगता है कि ये गलती कर बैठे, ये राजनीति के चक्कर में गलती कर बैठे, ये डर्टी पॉलिटिक्स है, और ये इन्हीं पे बैकफायर करे। जी, और जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीति का स्तर काफी अलग देखने को मिला है, क्योंकि जो लोग बात करते हैं कि हम सबसे मजबूत विपक्ष हैं, हम मिलकर एक गठबंधन है जो एक सत्ताधारी पार्टी से या गठबंधन से लड़ने वाले हैं, लेकिन अगर हम राजनीति के स्तर की बात करें, और जनता जितनी समझदार हो गई, मुझे लगता है जनता ने सब कुछ देखा, जनता ने सब कुछ समझा भी है, और जितना खुद को प्रोजेक्ट अच्छा करने की कोशिश की जा रही थी, जनता ये तो समझ गई है कि जिन मुद्दों को जनता चाहती है कम से कम उन मुद्दों को नहीं उठाया गया। अब बिल्कुल नहीं उठाया गया, मैं तो वही हैरान हूँ, आप उठाने वाले मुद्दे उठाइए, और काय का विपक्ष, काय का गठबंधन, आप बताइए, पीएम मोदी महाराष्ट्र जाते हैं, सभी दल कहते हैं शरद पवार जी आप मत जाइए उनको सम्मानित करने, मत जाइए, ये कैसा गठबंधन है, और अगर बीजेपी इतनी बुरी पार्टी है, मोदी इतने बुरे इंसान है, आप क्यों गए सम्मानित करने, तब तो आपने नहीं कहा कुछ भी ऐसा, तब तो आप बहुत खुश थे उनके साथ स्टेज पे, और ये कैसा गठबंधन है,
कि आप कांग्रेस के कई सीएम पहुंचे नहीं है और वहां पर ममता बनर्जी पहुंची हुई थी और वहां पर स्टालिन पहुंचे हुए थे, वहां पर हेमंत सोरेन पहुंचे हुए थे, तो इतना ही आप में है तो आप मच जाते सारे वहां पर। ये देश की चीजों में ये नहीं लाना चाहिए, ये देश का कार्यक्रम था, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। जिसको जिसको इनवाइट किया सबको पहुंचना चाहिए था। और ये कैसा गठबंधन है कि आप बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हो, अभी उपचुनाव के नतीजे आए हैं, केरला में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप हमारा गठबंधन है, फिर कह रहे हैं हम तो एक हैं। तो ये इनकी बातें समझ से परे है और मुझे लगता है कि इन्होंने गलत समय पर गलत चीज को उठा दिया है। आपको मुद्दों को उठाना चाहिए। टीचर जब क्लास में पढ़ाने के लिए आता है, अगर वो बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा है, मैंने ये एग्जांपल पहले भी एक जगह दी, अगर वो बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा है और सब बच्चे खुश हैं, बहुत अच्छा समझ आ रहा है सर ने, क्या बात है, कमाल कर दिया, और अगर कुछ शरारती बच्चे कहते हैं सर ये क्या किया आपने, ये कैसी पैंट पहन रखी है आपने, ये शर्ट आपकी कैसी है, ये आपका चश्मा, आपको क्या मतलब है भाई उससे, वो आए हैं यहाँ पे ज्ञान देने, आप पढ़ लो आराम से, लेकिन उनको क्या दिख रहा है, टीचर की पैंट ठीक नहीं है, शूज ठीक नहीं है, शरारती बच्चे क्लास। तो इनको G20 में जो इतना विश्व भर में नाम हो गया भारत का, विश्व गुरु आप कहो कि बनने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए, वाह वाह कर रहे हैं सब, डेक्लेरेशन को ले लीजिए आप, 200 घंटे की मशक्कत के बाद वो डेक्लेरेशन बनी है, जहां पे सभी वर्ल्ड लीडर्स एक सुर में बोले हैं। मजाल है कोई रशिया के खिलाफ किसी ने कोई हार्ड वर्ड यूज किया हो, गलत बोल दिया, तो मोदी जी ने यहाँ पे दोस्ती भी निभाई अपनी पूरी रशिया के साथ, डेक्लेरेशन भी आई, उसमें यूक्रेन का जिक्र भी हुआ, और लेकिन रशिया के खिलाफ कोई हार्ड वर्ड्स भी यूज नहीं। 200 घंटे की बैठकों के बाद कई बार ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसके बाद भी जब दिक्कतें आ रही थी तो इतना ही कहा गया सभी वर्ल्ड लीडर से कि मोदी जी ये चाहते हैं, ऐसा होना है, तो सबने फट फट साइन कर, तो इतनी बड़ी बात और कैसी बातें जी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक विरोध के लिए मात्र विरोध हो रहा है, विरोध का आधार क्या है ये नहीं जानते, और ऐसा ही एक वक्त है जब हमें वो पुराने राजनेता याद आते हैं, वो पुराने बड़े नेता याद आते हैं जो कभी कहा करते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीति रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। बिल्कुल, ये अटल जी की लाइनें हैं और यही आपकी आज की स्टोरी का कंक्लूजन भी है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि अटल जी की ये लाइनें हैं जिन्हें मैंने दोहराया है, और यही लाइनें हमें बताती हैं कि किस तरीके से देश सर्वोपरि है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन है, सत्ता में रहकर काम कैसा हो रहा है, क्या देश के लिए कुछ बेहतर हुआ है, अगर हुआ है तो मात्र विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। आप किस बारे में क्या राय है कि जिस तरीके से विपक्ष ने कुल मिलाकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं खाने की प्लेट पर हो रही बारिश पर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यूं ही नेशन स्पीक्स के साथ बने रहिएगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।